हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना चैनल आर के एशरी ग्रुप में। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो रहे तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो को देख सकें। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं जो इंडियन नेवी MR की तरफ से जो वैकेंसी निकल कर आई हुई थी उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं वो कॉमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा 60% है, मेरा 50% है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, उसके बारे में हम आज आप लोगों को विस्तार से बताने वाले हैं कि आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं सीधे टॉपिक पे। तो दोस्तों, काफ़ी सारे कैंडिडेट का ये क्वेश्चन होगा कि सर मेरा 50% 10वीं मार्क्स से क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, मेरा 60% है, मैं इस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम साफ साफ आप लोग को बता दे रहे हैं कि जो इंडियन नेवी है MR, इसमें चालान तो कोई है नहीं, इसमें कोई चालान तो लगा है नहीं, इसमें पैसा तो लगने वाला है नहीं। तो आप लोग इसके लिए आप लोग ये निश्चिंत रहें कि कॉल आएगा या नहीं आएगा, आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। दोस्तों, हम तो यही सजेशन आप लोग को देंगे कि इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई जरूर करें, क्योंकि फ्रेंड्स ऑलरेडी इसमें जो है इंडियन नेवी MR जो है ये पहले ही बता चुकी है कि हम 1785 कैंडिडेट को बुलाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग को हम बता दें कि 1750 किस कंडीशन में ये जो है इंडियन नेवी MR जो बुलाएगी, तो COVID-19 के कारण। किसके कारण? तो COVID-19 के कारण ये सब जो हो रहा है फ्रेंड्स, कम बच्चों को बुलाना, कम कैंडिडेट को बुलाना, ये COVID-19 के कारण हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हम आप लोग को बता दें कि इसमें कोई चालान तो लगने वाला है नहीं, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। हो सकता है कॉल नहीं आएगा, आ भी सकता है, क्योंकि यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा और अच्छा हो गया तो क्या पता, इंडियन नेवी बोली हुई है कि MR के लिए हम 1750 कैंडिडेट को बुलाएंगे, अगर सब कुछ ठीक रहा तो क्या पता 17500 कैंडिडेट को बुला दे, कोई ठीक है इसका? कोई ठीक नहीं है। तो दोस्तों, हम तो जहाँ तक आप लोगों को सजेशन देंगे कि आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि कोई ठीक नहीं है, इंडियन नेवी क्या पता बीच में कोई अपडेट ला दे, सब कुछ ठीक ठाक रहा, COVID-19 जो है सबका वैक्सीन तो पड़ ही रहा है। तो दोस्तों, आप लोग इसके लिए थोड़ा भी टेंशन ना ले, बेहिचक आप लोग फॉर्म भर दीजिए, इसमें कोई पैसा लगने वाला है नहीं कि आप लोग का पैसा डूब जाएगा। हाँ, हो सकता है कि आप लोग को फॉर्म भरने के लिए 50-60 खर्च लगे, बट यहाँ तो चालान लगने वाला है नहीं, तो आप लोग बेहिचक होकर के आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई जरूर कर दे, ठीक है दोस्तों? क्योंकि इंडियन नेवी जो है COVID-19 के कारण कम बच्चों को बुला रही है, पर आप लोग का 50% है, यदि 60% है, तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर भरें, क्योंकि क्या पता बीच में कोई और न्यू अपडेट आ जाए कि हाँ 17500 बच्चों को बुलाएंगे, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है तो बुला सके। तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। हाँ, अप्लाई करेंगे, कॉल नहीं आएगा नहीं आएगा, इसमें कोई वो तो बात है नहीं, क्योंकि यदि आप लोग मैदान में उतरे हैं तो हार होगी या जीत, यदि हार ही होगी तो कम से कम आप लोग को सीख तो मिलेगी ना फ्रेंड्स, इससे कोई घबराने वाली बात है नहीं। आप लोग इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें, क्योंकि बार बार फ्रेंड्स मौका नहीं मिलता, कॉल नहीं आएगा नहीं आएगा, बट सीख तो मिलनी चाहिए आप लोगों को ना कि हाँ हम फॉर्म भरे तो इतना कट ऑफ गया था, क्या पता आप लोग फॉर्म नहीं भरे और 50% पर सबका कॉल आ जाए, ठीक है दोस्तों, 50% पर सबका कॉल आ जाए तो फिर आप लोग क्या करेंगे, आप लोग पछतावा के अलावा आप लोग के पास कुछ नहीं बचेगा। तो फ्रेंड्स, हम जहाँ तक सजेशन दे रहे हैं कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरे 10वीं में इतना परसेंटेज है, 50% है, 60% है, क्या मैं फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूँ, तो फ्रेंड्स ये कोई यूट्यूब चैनल वाला नहीं बता सकता कि आप लोगों को 90% चाहिए या 80% चाहिए या 85% चाहिए, बस वो लोग यूट्यूब चैनल वाले जितने हैं एक अनुमान कट ऑफ तैयार कर ले रहे हैं और बता दे रहे हैं कि हाँ इस स्टेट का इतना कट ऑफ जाएगा, उस स्टेट का इतना कट ऑफ जाएगा। तो ये सब डिपेंड करता है इंडियन नेवी के ऊपर और स्टूडेंट कैंडिडेट के ऊपर कि वो लोग को कितना परसेंटेज है और कितना परसेंटेज वाले जो हैं वो अप्लाई किए हैं, तो शॉर्ट लिस्ट तैयार करती है इंडियन नेवी, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को कॉल देती है। तो किसी को पता नहीं है कि कितना कट ऑफ जाएगा या कितना नहीं, तो फिर हम जहाँ तक कहेंगे कि आप लोग ज़्यादा टाइम बचा है नहीं, डेट लास्ट 23 तारीख तक है, आप लोग इस फॉर्म को जल्द से जल्द यदि अप्लाई नहीं किए हैं तो कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। ये कोई यूट्यूब चैनल वाले नहीं बता सकते हैं कि कितना कट ऑफ जाएगा,
तो आप लोग इस फॉर्म में मत पड़िए, आप लोग इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करिए, क्योंकि वो इंडियन नेवी के हाथ में है कि शॉर्टलिस्ट तैयार करेगी, किस स्टेट के कितना कट ऑफ जाएगा। ये जितने भी यूट्यूब चैनल वाले हैं ये लोग एक अनुमान लगाकर बता देते हैं, जैसे SSR का कट ऑफ गया था, डबल ए का गया था, तो वही स्टेट वाइज मतलब अनुमान लगाकर बताते हैं दोस्तों। तो आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहें और आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें, जिसका 45% है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि पैसे तो लग नहीं रहा है। हाँ 40-50 लगेगा, 40-50 तो कोई भी खर्च कर देता है। दोस्तों आप लोग इसके लिए टेंशन ना लें, आप लोग इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद।